अगर यहाँ उपस्थित हो तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे भाई नदीम साहब को। नदीम साहब एक ऐसे डायनामिक आदमी है जो हिंदुस्तान की सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं मेजॉरिटीज की भी खिदमत एस एन एम एल ए जौनपुर कर चुके हैं और 42 साल की छोटी सी उम्र में मौलाना की तरह उनकी राह पे चलते हुए एजुकेशन और पब्लिक वर्क्स में एक बड़ा नाम किया। ऐसे हमारे भाई नदीम जी के वजह से मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। हमारे कन्हैया कुमार जी के लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। ऐसे हमारे छोटे भाई कन्हैया जी, दूसरा हमारा छोटा भाई अकरम जी, जिन्होंने आप सबको यहाँ बुलाया और सुहेल भाई को स्टेट चेयरमैन बनने में भी बड़े पीछे लगे थे नदीम भाई के, कि बहुत केपेबल आदमी है और सुहेल भाई यहाँ का चेयरमैन होना चाहिए। तो ऐसे हमारे अकरम भाई सम्मानित मंच उपस्थित मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों सलाम अलैकुम गुड आफ्टरनून। और ये एक तरह साइन है मुंबई में, जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि गुड आफ्टरनून नमस्कार सलाम, क्योंकि हम एक सेक्युलर पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो जब हम आज मौलाना की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे मिले हैं आपके साथ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली हम माइनॉरिटी नहीं, हमारे पीछे सिख भाई वहां खड़े हैं। आपका हाथ ऊपर करिए, पता चलेगा कि सिख भाई हमारे साथ है। सिख जैन मुस्लिम क्रिश्चियन और जो मौलाना ने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, कभी कभी मैं ये बहुत सोच में पड़ जाता हूं कि लोग ये कहते हैं कि अक्सर हमारी कॉम के लिए नदीम भाई कन्हैया जी ये कहा जाता है कि हमने इलिटरेसी बहुत है, हमने इलिटरेसी बहुत है, मतलब लोग पढ़ते नहीं है। हमने ऐसा नहीं है, आज ये बात गवाही दे रही है मौलाना आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इस कंट्री के, और एजुकेशन के लिए जो इस कौम ने किया है और जिस कौम के आलिमों ने किया है, इल्म हमारी जो किताब है अव्वल अजीज कुरान मजीद, उसमें क्या कहा गया है, ये इल्म हासिल करो, जो इल्म के बगैर गुजर गया उससे कुछ हासिल नहीं किया। तो इल्म, इल्म एक खजाना है जो मौलाना ने हमेशा कहा था और उसको हमको असरदार तरीके से हमारी जिंदगी में डे टू डे अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए? आजकल जो बोलता है, आजकल यही मॉडल चलता है ना भाइयों बहनों, अपन उसमें नहीं जाएंगे, अपन इसलिए करेंगे कि जब मैं मौलाना आजाद का चेयरमैन था, एक हमारा स्टेट का चुनाव हुआ था, तो किसी ने कहा बड़े जोरों से औरंगाबाद, औरंगाबाद के बारे में आप सब जानते होंगे शायद, औरंगाबाद हमारी तादाद बड़ी है माइनॉरिटी से, तो वहां किसी ने आके ये कहा एक स्टेट से, अरे वो नया चेयरमैन बना है आप देखते हो क्या करते, 100 करोड़ का फंड उसने एफडी से रिलीज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह 27.5 करोड़ रुपए 40,000 करके 7,700 फाइल रिकॉर्ड 4 महीने में हमने आप अपने गरीब भाइयों दोस्तों और बच्चों के एजुकेशन के लिए किया। और ये आज इस मंच से, क्योंकि इस स्टेट में भी चुनाव है, ये कोई चुनावी भाषण नहीं है आज का, ये भाषण है, ये ज्यादा बोलने वाला आदमी पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी जहमत जल्दी से तमाम करूंगा। बट क्योंकि मौलाना की बर्थ एनिवर्सरी है और क्योंकि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रह चुका हूँ महाराष्ट्र का, तो ये मेरी एक दीनी और तबलीगी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बीच ये शेयर करके जाऊं कि आने वाले दिनों में आपने अगर सह फैसला किया तो इंशाल्लाह हम में से आप में से एक कांग्रेसी और उसका बोर्ड होगा जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के होगा और हमारे हर माइनॉरिटी के बच्चे को, चाहे वो सिख हो, हमारा ईसाई हो या हमारा मुसलमान भाई हो, किसी बच्चे या बच्ची को पढ़ाई के लिए और कोई और दिक्कत नहीं आएगी, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपकी पूरी खिदमत करेगी इंशाल्लाह। अभी एक हक तो अदा कर दीजिए आप सारे जन, हाथ तो कभी कभी घड़ी कोई साथ नहीं लाता है, भूल जाता है पहनने को, महाराष्ट्र में घड़ी का बड़ा काम रहता है, बट मैं हमेशा कहता हूँ
कि आप लोग थोड़ी सी चुस्ती भी आ जाएगी और उसके बाद आपको कन्हैया जी को, अकरम भाई को, नदीम भाई को सुनने में मजा भी आ जाएगा। सारे लोग हाथ तो साथ लाते ही है, तो इस बार हाथ उठा के बता दीजिए कि इस बार सिर्फ हाथ और हाथ की सरकार होगी इंशाल्लाह तेलंगाना में। सभी हाथ उठाइए, कुछ हाथ नहीं देख रहा हूं मैं। सब हो गए, पक्का है? तो आपने हाथ से हाथ को देखिए, इस बार कांग्रेस और हाथ की सरकार होगी इंशाल्लाह। और मौलाना आजाद का जो भी चेयरमैन होगा, ये मेरा और नदीम भाई का वादा है आपसे कि वो खिदमत के लिए आएगा आपके लिए और आपके बीच रह के खिदमत करेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।